मिस्टर बा आइडिया हेलो 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 इज देयर एनीवन देयर टाइम वेस्टिंग क्या छुपा रहा है तू मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा ए इतने सालों से तुझको जानता हो तू कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है क्यों बताऊं मैं आपको कौन लगते आप मेरे हाँ मैं कहा किसी का कौन लगता हूँ अरे अरे बता हॉस्पिटल में फोन कर रहा हूँ हॉस्पिटल में क्यों किसी को कुछ हुआ है क्या हाँ मुझे दिल की बीमारी हो गई है दिल की बीमारी है या मैं चंपा की बच्चों मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ मुझे पता है क्या करता है तू तेरे ऊपर नजर रहती है मेरी शर्मा रहा है देख देख कैसा हंस रहा है इधर दे मोबाइल हेलो हेलो चौटाला हॉस्पिटल यस बोलिए कैसी है मैं चंपा जी आप कौन बात कर रहे हैं जी और बोलिए कैसा चल रहा है सब कुछ आपने हमारे हॉस्पिटल पे क्यों कॉल किया हाँ वो क्या है हमारी सोसाइटी जो है ना किलबिल सोसाइटी है तो यहाँ पे किसी को बहुत जोर का हार्ट अटैक आया है मुझे नहीं लगता वो टिकेगा ऐसी बात मत कीजिए कुछ नहीं होगा मैं अभी डॉक्टर को भेजती हूँ हाँ जल्दी भेज दीजिए थैंक यू ऐसा ही बोलना पड़ता है तभी जल्दी आते हैं ये ले थैंक यू चाचा जी दुख रहा है ना तेरे हार्ट में अकुबी वॉचमैन क्या हो गया शर्मिला भाभी बहुत दुख रहा है सुमित्रा आ गई माल मसाला डालने शशि बहन क्या हो गया आप सोसाइटी में क्या हुआ शर्मिला बहन मुंह में कुछ है क्या वॉचमैन को देखो क्या हो गया है क्या हो गया वॉचमैन को मैं जब यहाँ पे आया तो वो ऐसा था चलो चलो नीचे चलो हाँ आजकल किसको क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता किसी और वॉचमैन ये पता नहीं कैसे बहुत दुखने लगते है बेचारे का चंपा चंपा इसने चंपा बोला ना हाँ मैंने भी चंपा का कुछ सुना चंपा का क्या मुझको भी चंपा सुनाई दिया चमक भर रही है चमक 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 होती होती मैं अपना दिखा दिखा दी क्या मुझे भी होती है कभी कभी चमक हाँ मुझे भी कभी कभी ज्यादा काम करती हूँ ना चमक निकलती है शशिबिन आप भी आओ ना इधर बैठो ना अरे आप दोनों बैठो वहां पे मैं यही पे ठीक हूँ हाँ शशिबिन आओ ना यहाँ पे ठीक है आप ऊपर से ही मिल लो देखो वैसे ये चमक का होता है ना जरा ज्यादा सीरियस होता है अच्छा हाँ अब मेरी चचेरी बुआ है ना उसकी दादी का बेटा उसको भी ऐसा चमक चमक का प्रॉब्लम हुआ रात को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा पर तुम टेंशन मत लो वॉचमैन तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है उसकी 60 साल उम्र थी उम्र का भी कुछ नहीं होता अभी मेरी फूफा का बेटा देखो उसकी उम्र 24 साल आगो भाई अचानक की छाती में उसकी चमक आने लगी फिर हॉस्पिटल में लेके गए तो बताया हार्ट अटैक कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता उम्र का कुछ नहीं उम्र का रहा ही नहीं अब कुछ किसी को भी कुछ भी हो जाता है पर तुम टेंशन मत लो वो पहले से ही वीक था तुम वीक नहीं हो तुम स्ट्रांग हो स्ट्रांग हो या वीक कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दादा के दादी की बेटी की बेटा की मौसी का बेटा बहुत स्ट्रांग ये पहलवान था वो तो उम्र उसके सिर्फ 28 साल आगो भाई अचानक एक दिन चमक निकलने लगी हॉस्पिटल लेके गए उसको भी हार्ट अटैक हुआ
हाँ, पर उसको पहले से दिल की बीमारी थी, तो वॉचमैन तू कोई टेंशन मत ले। आप तीनों पहले शांत बैठिए, नहीं तो आपकी बातों से ही उसको कुछ हो जाएगा।